हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लास्ट लेसन, लेसन नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये चैप्टर जो है वो गार्बेज, कूड़े से रिलेटेड है, ठीक है। वी थ्रो आउट सम रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेस। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। ऑल दीज रैपिंग मटीरियल गो आउट एज गार्बेज। We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage। लिखा है कि हम अपने होम से, स्कूल से, शॉप से, ऑफिस से बहुत सारा गार्बेज जो है वो अपने घर से बाहर निकालते हैं, और जो जैसे कि ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, बिस्किट्स हैं, मतलब जो भी मटेरियल हम शॉप से खरीदते हैं वो पैक्ड होते हैं, ठीक है, और उन रैपर्स को जो है वो गार्बेज में फेंक दिया जाता है। और कई बार हम ऐसे चीजें खरीदते हैं जो रेयरली यूज की जाती हैं और उन्हें भी हम गार्बेज में फेंक देते हैं, मतलब वो भी क्या होता है, गार्बेज होता है। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटी। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडेड शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। जैसे मतलब हम जो है वो अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो हम बहुत सारा गार्बेज जो है वो जनरेट करते हैं। जैसे हम ग्राउंड नट्स खाते हैं तो उनके नट्स खाने के बाद हम जो शेल्स होती हैं उनको पब्लिक प्लेसेस में फेंक देते हैं। We throw away the tickets when we off a bus. A child might go into the sharpening pencil just for fun. If we make mistakes or spill ink in our notebook, we tear off the sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. मतलब बहुत ज्यादा कूड़ा जो है वो हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। What if the garbage is not removed from our home and surrounding? How do you think this will harm us? क्या होगा अगर garbage को अपने घरों या सराउंडिंग से नहीं निकाला जाए, क्या लगता है आपको, क्या ये हमें हार्म करेगा? व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट? जब सफाई कर्मचारी गार्बेज को बिन्स से उठा के लेके आते हैं तो उसके साथ फिर क्या होता है? इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इन टू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। क्या ये पॉसिबल है कि उस कूड़े को हम ऐसी चीज में जनरेट करें जो हमें हार्म ना करें? कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ड दिस इन एनी वे? वी विल लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इन क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड भूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज के साथ हमने कैसे डील करना है? पहेली और भूजो के स्कूल ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया। We will learn about some of the things that they learn through this project. तो इसमें है dealing with garbage. सफाई कर्मचारी collect the garbage in trucks and take it to a low lying area which is called landfill. Landfill एक area है जहां पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो garbage को trucks में भर के लेके जाएंगे। ये आप देखते हैं, it is a landfill. There the part of the garbage that can be reused is separated from the one that cannot be used as such. गार्बेज में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जिसको हम यूज कर सकते हैं, फिर से एक होती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे उन दोनों को सेपरेट किया जाएगा कि ऐसी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल हैं उनको अलग किया जाएगा, जो नहीं यूजफुल है उनको अलग किया जाएगा। दस द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कम्पोनेंट। द नॉन यूजफुल कम्पोनेंट इज सेपरेटेड आउट, दिस इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। पहले क्या करेंगे, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट करेंगे, उसको लैंडफिल पे स्प्रेड कर देंगे, उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर बिछा देंगे। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज यूजली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड। उसके बाद उस लैंडफिल को एक प्लेग्राउंड में कन्वर्ट या फिर एक पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज। कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल। के 20 सालों तक उस पर कोई भी बिल्डिंग जो है वो नहीं बनाई जाएगी, और जो हमारे पास यूजफुल कंपोनेंट बचा है उसकी कंपोस्ट बनाई जाएगी, खाद बनाई जाएगी लैंडफिल के नजदीक। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट क्या होता है? लेट अस लर्न अबाउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आगे ली जो एक्टिविटी है उसमें हम पढ़ेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इन टू द डस्टबिन। सेपरेट इन टू टू ग्रुप दैट आर ग्रुप वन। पहले क्या करना है, जो आपके घर में जो कूड़ा करकट है उसको आपने देखना है, उसको दो पार्ट्स में सेपरेट करना है। फर्स्ट में आपने रखना है जैसे जो किचन का वेस्ट है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल पील्स हैं, एग शेल्स हैं, वेस्ट फूड है, टी लीव्स हैं,
It also includes newspaper, dry leaves and paper bag. Okay, add in group second, you will put pieces of cloth, polythene bags, broken glass, aluminium wrappers, nails, old shoes and broken toys. Ye do group aapke paas aage. Now divide the content of each group into two separate heaps. अब दो के आपने चार बनाने हैं, दोनों को आपने दो दो ढेर इसके बना के रख देने हैं. लेबल देम एज वन ए बी सी डी. ओके, पुट वन हीप फ्रॉम ग्रुप वन एंड वन फ्रॉम ग्रुप टू इंटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स. एक हीप जो ग्रुप वन का है और ग्रुप टू को, इनको वन और टू को आपने दोनों को प्लास्टिक बैग में डाल देना है. टाई द माउथ ऑफ दीज बैग्स टाइटली, ऊपर से उसको बांध देना है. Put all the four heaps in separate pits and cover it with soil. उसको आपने गड्ढों में डाल देना है चारों को और ऊपर से soil से cover कर देना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ढेर बनाए हैं, उसको cover कर रहे हैं. You can use four pots to bury into the garbage heap. उनके लिए आप four pots भी use कर सकते हैं. Remove the soil after four day and observe the changes in the garbage. उसके बाद आपने क्या करना है, soil को observe करना है चार दिनों के बाद, सॉइल को हटा के क्या उस गार्बेज में क्या चेंजेस आए हैं. अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज इंडिकेट. अगर उसमें ब्लैक कलर हो गया है, कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो गार्बेज की रॉटिंग है, मतलब जो कूड़ा है, वो पूरी तरह से खराब हो गया है. पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल. इसको आपने फिर से पिट में डाल देना है, गड्ढे में, और कवर कर देना है. ऑब्जर्व अगेन आफ्टर फाइव टू डेज एंड नोट द ऑब्जर्वेशन. उसके बाद आपने फिर से उसको ऑब्जर्व करना है कि अब वो कम्प्लीटली रॉट हो गया है, खराब हो गया है, उससे स्मेल नहीं आ रही है. रॉट ओनली पार्शली, अगर थोड़ा ही वो खराब हुआ है. रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड. अभी खराब तो हो गया लेकिन फिर भी उससे स्मेल आ रही है. नो चेंज एट ऑल, कोई भी चेंज नहीं आया है. गार्बेज इन विच हीप्स आर सीन टू बी रॉट एंड विच डी नॉट. कौन में से ऐसे हैं जिसमें हीपिंग में जो है वो रॉट हो गया है, किसमें नहीं हुआ है. तो ऑब्वियसली बात है, जो वेजिटेबल पील्स हैं, एग शेल्स हैं, ये तो पूरी तरह से रॉट हो जाएंगे. लेकिन एल्यूमिनियम रैपर है, पॉलीथीन है, क्लोथ है, ये एज इट इज ही रहेंगे. इसमें से क्या होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा. एंटर ऑप्शन वन टू थ्री फोर इन द कॉलम. इस कॉलम में आपने इसको भरना है कि चार दिनों के बाद क्या चेंज आए, छह के बाद, टू वीक्स, फोर वीक्स. इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, डू नॉट फॉरगेट लाइट टू ऑल इन दिस नोटबुक. डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट. इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स. दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. वो गार्बेज जो पूरी तरह से कम्प्लीटली रॉट हो गया है, उससे स्मेल नहीं आ रही है, उसको आप अपनी सॉइल में डाल के देखिए. जो आपके फेवरेट प्लांट्स हैं, वो उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. जैसे हम खाद जो है वो घर बाहर से खरीद के लाते हैं, तो राधर देन अगर हम घर में बनाएं तो वो प्लांट्स के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट. दे फॉर्म मेन्योर विच इज यूज फॉर द प्लांट. हमने इस एक्टिविटी में देखा कि कुछ थिंग्स जो है वो खराब हो जाती हैं, वो मेन्योर, वो खाद बनाती हैं, जिसको हम प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं. एंड द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मेन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. और ये जो खराब होना, ये कन्वर्जन है कुछ मटेरियल्स का खाद में, उसको हम कहेंगे कंपोस्टिंग. इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ जर्नी. मतलब दो तरह के, अब जो टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज, उन्होंने दो तरह के गार्बेज जो है वो दिए हैं, एक ब्लू एक ग्रीन. ब्लू बिन में हम डालते हैं जैसे जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है. डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज ही. वो चीजें जो खराब नहीं हुई थी, उनको हम डालेंगे ब्लू में. बाकी जो हमारे पास ऐसी चीजें जो खराब हो जाएंगी, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, एग शेल्स हैं, टी लीव्स हैं, उनको हम डालेंगे ग्रीन डस्टबिन में. द ग्रीन बिन इज कलेक्टिंग फॉर किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली वेन बरीड इन द सॉइल. डू यू सी वाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इंटू टू ग्रुप. क्योंकि उनको सेपरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हमने अलग अलग डाले होंगे तो हमें पता होगा कि इसमें चीजें जो है वो यूजफुल हैं, उसका मेन्योर हम बना सकते हैं, दूसरी चीजों को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं. हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न्ड. फार्मर टू ऑफन बर्न द हस्क ड्राई लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग.
Burning of these produces smoke and gases that are harmful for our health. We should try to stop such practices. These waste could be converted into useful waste. कि कई बार आपने देखा होगा कि रोड साइड पे ढेर लगे होते हैं लीव्स के, तो कई बार लोग क्या करते हैं उनको जला देते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन का खतरा रहता है. अगर हम उसको गड्ढा डाल के उसको दफना दें, उसके सॉइल चढ़ा दें, तो उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल रहे. Here are some of the observation and thoughts noted by Paheli and Bujo from this project dealing with the garbage. ये था dealing with garbage. Not theft really, she must have, means illegal. She wanted that government should make a law for the burning of leaves and other plants in the everywhere. ठीक है, कि government पहली चाहती है कि भाई ऐसा गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव अ थ्रेट, के जो बर्निंग जो जला रहे हैं पत्तों को उनको क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ चलाना चाहिए कि उसको कोई नहीं जला सके. ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग नहीं जलाएंगे उसको, कंपोस्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे तो किसी को समझा नहीं सकते कि हाँ मत जलाओ, लेकिन अगर लॉ बनेगा तो लोग उसके लिए ज्यादा अवेयर रहेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हमारा है वर्मी कंपोस्टिंग. इसको हम अपने नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे. थैंक यू.